प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन करती है। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, बीजेपी नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कांग्रेस मोदी पर हमलावर है, आखिर क्यों? मोदी ने कांग्रेस के इन्हीं प्रतिक्रियाओं का जवाब मेघालय के रोड शो में दिया। इसके बाद यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने भारी संख्या में जुटने के लिए मेघालय की जनता का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूरा देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज जिस प्रकार से शानदार और जानदार रोड शो आपने किया है, आपका यह प्यार, आपका यह आशीर्वाद, मैं आपके इस कर्ज को ज़रूर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास करके चुकाऊंगा। आपके कल्याण के काम को गति देकर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ये लाइनें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने आगे कहा कि इस रोड शो की तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। पर्वतीय हो या मैदानी इलाका, गाँव हो शहर, हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है। कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यही वो लाइनें हैं जिससे मोदी परेशान हुए और उन्हें ये सारी बातें कहनी पड़ी। लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि देश कह रहा है, देश का कोना कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो वहीं त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के बाद अब मेघालय और नागालैंड की बारी है। इन दोनों राज्यों में 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में दोनों राज्यों में इस समय प्रचार अभियान पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है। आज इन दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने मेघालय के शिलांग में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने कहा कि भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, मेघालय इसमें अपना मजबूत योगदान दे रहा है, हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं और राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस सभा में बिना नाम लिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है।